तो फिर एक बार सिल्क रोड देख लेना तो आपको पता चल जाएगा तो ये चैप्टर एक्चुअली क्या है कि ये ना इसके अंदर बहुत सारे टफ वर्ड्स हैं और इसके अंदर आपको एंड तक भी ये नहीं पता चल पाता कि यार ये हो क्या रहा है <laughs> तो ये रीजन है कि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ रहता है एंड uh, uh, बहुत सारे स्कूल्स इसको हटवा भी देते हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे हम डेफिनेटली इसको अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं अच्छे से पढ़ने वाले हैं क्योंकि यस यू आर इन मिश्रा क्लास एंड इट्स ऑलवेज चाहे कोई भी चैप्टर हो सो so, ये चैप्टर सिल्क रोड लिखा है निक ने और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये वीडियो है सुपर रिविजन बैच का पार्ट जिसके अंदर है आपके कुछ एजुकेटर्स और उन एजुकेटर्स में है प्रिया जैन मैम जो कि आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगी गिरीश अग्रवाल सर जो कि आपको पढ़ाएंगे बिजनेस स्टडीज नितिका मैम जो कि इकोनॉमिक्स एंड शिप्रा मिश्रा मैम जो कि आपको पढ़ाएंगी English and trust me these are the best educators that you will learn from not posting you'll see for yourself now same is the case with class 12 so if you have any friends and if you want to tell them that there are awesome educators who are teaching for free and they are giving quality education then you can refer this batch moving on you can take my unacademy plus subscription now let me just tell you uh, I have this awesome question bank coming from 1st of december awesome literally awesome is the word because you'll find each and every type of question in there and trust me if you go through those questions no nobody literally nobody can stop you from scoring 90 in between 90 to 100 so if you're interested in having summaries word meanings expression meaning paraphrases question and answers ncit exercises thousands of mcq questions and a lot more then please subscribe to Plus today. Also, if you want, you can also consider Iconic subscription in which you'll get your own mentor. That is the personal mentor, and you'll get. You know, it will be all set because they will tell you kithte time apne padhai ki, sa subject ki, classes dekhi, and a lot more. Uh, मैं बता देती हूँ बैचेस स्टार्ट होने वाले थर्टीएथ ऑफ नवंबर से तो अगर अभी लेट कर दिया तो बैच का फिर कोई ना कोई क्लास छूट जाएगा और फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी तो आज तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी ले लो प्लस क्योंकि थर्टी एथ कल से नए बड़े ही शानदार बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और उन बैचेस में जो आप सीखोगे ना पूरे साल में नहीं सीखा होगा और ट्रस्ट भी पांच सब्जेक्ट दो क्लासेस तीन स्ट्रीम्स इतना सारा इतना सारा प्रोडक्ट लाइक इतने सारे नोट्स एंड क्वेश्चन एंड अगर आप बाहर से खरीदते तो शायद इससे पता नहीं कितना ज्यादा पे आपको करना पड़ता और हमारे यहाँ पे हमने इसे इतना अफोर्डेबल बनाया है कि आप प्लस ले सकते हैं सिर्फ इतने में और उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा एस डी लाइव यूज करके और अगर हम आप हमारी आप स्पेशल क्लासेस देखते हैं तो आप अपने क्रेडिट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा नो कॉस्ट ई मिलेगी तो डेफिनेटली इट्स अमेजिंग और आप इसके इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आप इलेवेंथ में हैं तो ट्वेल्थ में ट्वेल्थ वाला बच्चा देख सकता है अगर आप ह्यूमैनिटीज में तो कॉमर्स वाला बच्चा देख सकता है अगर आप कॉमर्स में है तो साइंस तो वाला बच्चा देख सकता है तो यू कैन ऑलवेज शेयर शेयरिंग इज केयरिंग सो या दैट्स बट डोंट गेट योर फेवरेट एजुकेटर एंड हर हॉर कोड विच इज एच टी सी लाइफ all right all right moving on we have silk road introduction of the lesson trust me this lesson is going to be as smooth as silk road for you because you are learning here on an academy with your favorite educator who is shripram shramam so abhiska introduction lete. the story is written by nick middleton निक मिडिल्टन ने स्टोरी लिखी है ऑथर का नाम याद रखना थोड़ा सा जरूरी है और याद रखना कुछ कुछ जो चैप्टर्स होते हैं उनमें ऑथर्स और नरेटर्स डिफरेंट होते हैं तो दोनों का आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन ऑथर है और कौन कौन नरेटर है एज ऑफ नाउ इतना जान लो निक मिडिल्टन कौन है निक मिडिल्टन है ऑथर This chapter is about the narrator's journey from the slopes of Ravu to Mount Kailash to complete the kora. Now kora is a ritual exercise and trust me if you follow Buddhism you'll love it. To bid him farewell Lamo gave him a long sleeved sheepskin coat he hired a dance for his journey <clears throat> Along along so uh, राव से माउंट कैलाश तक जा रहे हैं अगर आप प्लस पे होते हैं तो मैं ड्रॉइंग करके आपको दिखाती और लिटरली मजा आता आपको बट ठीक है आप समझ रहे हो ना तो बेसिकली राउू से माउंट कैलाश जा रहे हैं इस जर्नी में उनको, उनको उनके फ्रेंड्स uh, गिफ्ट भी देते हैं कुछ फ्रेंड्स उन्हें छोड़ने भी आते हैं और किसी की कार वो हायर करते हैं क्योंकि वो कोरा करेंगे तो ऑब्वियसली डू टेक हिस्सा देअ सो या इसकी एक बार समरी देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे बच्चे जो ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हुए हैं तो उनको उनका टाइम मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ तो -फट कंटिन्यू करना है तो यू आर द्रोरा गो टू माउंट कैलाश टू कंप्लीट दि कोरा नाउट टू ड्राइव हिम अपू माउंट कैलाश डिस्कलेम बैड विद्स बैड विद ने Nouns. I'm really bad with it. I don't know if I would have gone for oils. <laughs> but I'm really bad with the names. So if I'm not pronouncing names correctly, please spare me, please. So he hired Sitan to drive him up to Mount Kailash as the farewell gift. Lamo gave him a long-sleeved sheepskin coat. He took Daniels uh, as his companion to Tarchin. When they started the journey, Sitan took a shortcut to southwest which was a direct route to mount kenash they had to cross high mountains passes to reach their destination satan assured him that it would be no problem if there would be no snow they crossed through few gazelles a herd of wild asses and shepherds tending the flocks when they reached the hill they passed dark tents which were home for nomads he saw tibetan mastiff standing outside the tent as the guard these mastiff ran up to his car as he reached near the tent these dogs had large jaw my god now let me just tell you exactly so see uh, if you have ever been to hilly areas you are going to understand this chapter very well and if you're if you have never been to any hilly area you're going to understand it सो so, पे क्या होता है कि ये अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और जर्नी पे अपने साथ में स्टैंड को लेके जाते हैं जो कि उनको उनके कार को ड्राइव करते हैं ही बोल देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर स्नो नहीं हुआ तो अगर तो स्नो हुआ <laughs> कुछ नहीं हो सकता हनुमान चालीसा बोल लेना तो बेसिकली वो उन्हें शॉर्टकट से लेके जाते हैं और जब वो शॉर्टकट से जा रहे होते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है उन्हें देखने को मिलते हैं कुछ गैजल्स मतलब एनिमल्स बहुत सारे एनिमल्स ब्लाग्स देखने को मिलते हैं इसके बाद उन्हें बहुत सारे टेंट्स देखने को मिलते हैं और उन टेंट्स में वो टेंट्स होते हैं नुमाट के और बंजारों के और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके परमानेंट होम नहीं है एंड दे जस्ट जहाँ पर भी उन्हें ठीक लगता है वो वहाँ पर टेंट्स बना लेते हैं ना उनके टेंट्स की रखवाली के लिए वो लोग टिबिन मैस्टिव को रखते हैं दीज डॉग्स आर नाउर दो आई लवग्स बट टिपिटिन मैस्टिव आर हंटिंग यू यूज अगर उन्हें ऐसा लगता है कि uh, कोई उनके मालिक को उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है उनकी जॉ इतनी बड़ी है कि वो हमें डायरेक्ट अंदर निकल सकते हैं इतने खतरनाक टिबिटन मास्टिव्स मैस्टिव्स होते हैं एंड यू सी देम आई जस्ट शो यू द पिक्चर एंड यू यूल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आई जस्ट शो यू द पिक्चर आई एम सॉरी आई डेंट पुट इट यूर आई एक्चुअली गॉट नो टाइम सो आई जस्ट टेल यू य Mastiff, hmm. I will just show you the picture and yeah, here it is. Uh, I don't know if it's visible for you to know or no. Uh, yeah, yeah, it's quite well. So, here are mastiffs. mastiffs. Oh my god, it's a body. ओहो oh, oh, इतना खतरनाक होता है ये लिटरली आपको आप देखोगे तो यू भी लाइक ये भाई ये क्या है ये शेर है भालू है कुत्ता है क्या ये तो डेफिनेटली वो देखते हैं वो टेंट्स को ऐसे झुक झुक के देख रहे होते हैं मैस्टिव देख लेता है कि अच्छा मेरे टेंट को देख रहे हो उनकी कार के पीछे भागता अगर तो ऑथर टू व्हीलर पर जा रहे होते अगर तो वो पैदल जा रहे होते उनकी कोई खेल नहीं थी <laughs> बट वो कार में थे इस वजह से वो थोड़ा बहुत बच गए जब तक टिबिटिन मैस्टिद ने ये नहीं इंश्योर कर लिया कि वो उनकी बाउंड्री से बाहर है तब तक तो वो भागता गया उनके पीछे As soon as they entered the valley, they witnessed snow-capped mountains with river flowing, which were blocked with ice. देखा snow-covered mountains. Wow, wow, wow! And river flow And ice thi. How beautiful! And when they were riding through the hill, the turns became sharper and roads became became bumpier. Now I'll tell you, I have my personal opinion on this one. So now I just went to. Uh, a trip like a two no three probably three years ago, and I went to Jammu Kashmir. Now Jammu Kashmir is not that dangerous in comparison to the other hilly areas. <laughs> so I went to Jammu Kashmir, not the entire Kashmir, but a uh, quite good part of it. So we had my like I uh, my brother was driving, and we actually uh, had this uh, road trip. So yeah.

So, definitely, hilly areas is the best part hai, that you need literally a professional driver. My brother has a good license and he, ha he uh, uh, has a license for Dubai as well. So, basically, he was very talented. But if that were me, trust me, guys, I. मैं यहाँ होती नहीं तो एग्जैक्टली exactly वैसा ही है सिटैंड थर्ड ईयर में थर्ड गियर में गाड़ी चला रहा है थर्ड गियर में गाड़ी चला रहा है रोड्स बम्पियर हो गई है शार्प टर्न्स आ रहे हैं और स्टैंड है, में मैं चलाऊंगा भाई चलाएगा ना प्रोटोकॉनिस्ट फील द प्रेशर इन ईयरिस्ट को फील हो रहा था कि ठीक है ऊपर जा रहे हैं और चीजें थोड़ी सी अब नॉर्मल हो रही है उनकी नोज ये फील कर पा रही थी थोड़ा सा जुकाम उन्हें लगने लगा था रिस्ट वॉच उन्होंने चेक की तो पता चला फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड टेन मीटर्स अबाव दी लेवल ओके दे रीच देर फर्स्ट हर्डल अब वहां पे उन्होंने देखा तो रोड पूरी स्नो से ढकी हुई थी नाउ स्टैंड ने पहले ही बोल दिया था बच्चों स्नो होगी मैं नहीं चला पाऊंगा अभी जैसे ही स्नो आई अभी अभी ऑथर को पता चल गया हो तो लाइक बाई ये तो स्नो है बाई बाई क्या करूँ मैं उसने चालू कर दिया हनुमान चालीसा ही अभी मेरे को हनुमान चालीसा करने का नहीं तो मैं ऊपर जाने जाने वाला हूँ फिटैन so ने डेफिनेटली उसके लिए कुछ तरीका उसको सूझा बिकॉज ऑब्वियसली वो ड्राइवर था और ट्रेन ड्राइवर था तभी वो इतनी दूर तक भी आ पाया नहीं तो अभी जैसे मैंने आपको बहरा तो बता ही दिया है नाउ यू नो कि मेरे साथ आपको कहीं नहीं जाना बिकॉज आई एम अ बैड ड्राइवर इसके बाद में उन्होंने क्या किया स्नो पे थोड़ी सी डर्ट डाल दी और ताकि से वो आराम से उस पर चला सके अच्छा स्टैंड बड़ी केयरफुली ड्राइव कर रहे थे थोड़ा सा ड्राइव करते उतरते चेक करते पैट पैट करते और देखते अगर वो नीचे धस रहा है बिकॉज स्नो के नीचे आपको पता नहीं होता क्या है हो सकता है कि नीचे खोखला हो और ये आपकी कार गई और नीचे जम गए आप <laughs> फिर पता नहीं लोग देखने आएंगे कि यहाँ पे एक स्टैंड नाम कर्निक मिडिलटन नाम का आदमी था यहीं पर जम गया विद कार तो इसीलिए वो चलाता रुकता पैट पैट आगे चलता रुकता पैट पैट बार बार चेक कर रहा था कि भाई कार चल जाएगी क्या उसके ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाँव रखो और धस जाए तो दैट वॉज हीज हाउ ही वॉज वेरी केयरफुल एंड ही ड्रोव केयरफुली ना उन्होंने जर्नी को रिज्यूम किया अब जिस टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही थी हमारे प्रोटोगोनिस्ट को तो हेडेक हो गया था बिकॉज प्रोटोगोनिस्ट लाइक राम ये कोरा से पहले ही ऊपर ना पहुंचा दे तो डेफिनेटली वो इतना प्रेशर में थे कि उनको हेडेक हो गया और उन्हें लगा कि उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया जैसे अभी हो गया मेरे को एंड ये उसके बाद में उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा पानी पिया एंड दे रीच टू फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टीन मीटर्स अबाउट द सी लेवल वापस से कार स्टॉप हो गई अब डेफिनेटली uh, यहाँ पे दिस टाइम द फ्यूल टैंक व्हेन हिस्ट अनस्क्रूड द टॉप एज देट्रोल वॉज एक्सपैंडिंग ड्यू टू लो एटमोसफेर प्रेशर सैन टोल दैन नॉट टू स्मोक अराउंड बोला कि यहाँ पे काफ़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है एंड पेट्रोल लीकेज एंड बहुत सारे इशूज हो गए थे और बोला बिल्कुल स्मोक मत करना है यहाँ पे नहीं तो हम फिर ऊपर पहुँच जाएंगे भगवान के पास प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा था न मेरे साइंस वाले बच्चे इसे काफ़ी अच्छे से समझेंगे Now, lunch, उन्हें कुछ खाना खाना था अभी यहाँ तक uh, का जा चुका था, like, भगवान ने बचा लिया जिंदा तो मैं बाइ लेट आफ्टरनून वो लोग एक स्मॉल टाउन में पहुंचे जिसका नाम था होर नाउ दे रीच द ईस्ट वेस्ट हाईवे अगेन वो ईस्ट वेस्ट हाईवे पे फिर आ गए इट वॉज रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर बेला वाला लासा Bella wala Lhasa, if you know Bella, you know Lhasa because Bella is Lhasa so and she's cute. She's literally cute. Oh my God, my baby. By the way, uh, coming back to Lhasa. <clears throat> सो अभी ये ओल्ड रूट था लासा से कश्मीर तक का डैनियाल गॉट ऑफ द कार एंड टुक टुक अ लिफ्ट टू लासा देयर कार हैड अ फ्यू पंक्चर्स विच वरीड इट्स ही गॉट देम फिक्स एंड प्रोटोगोनिस वेटेड एट अ लोकल कैफे ऑफ होर वेल हैविंग अ ग्लास ऑफ ट्री ही फाउंड होर इज अ मिजोरेबल प्लेस आफ्टर वाइस इट एंड रीच टू हिम एंड देर रिज्यूम देर जर्नी अगेन सो so बेसिकली वो होर पहुंचे और होर में इट वॉज ऑल फाइन एंड डैनियाल उतर चुके थे बेटा ये याद रखना पड़ेगा कौन कहाँ उतरा था क्योंकि धीरे धीरे अभी डैनियाल गए हैं फिर सिटेन चले जाएंगे फिर एक इंसान की एंट्री होगी और फिर जर्नी स्टार्ट होगी माउंट कैलाश वाली तो ये अपना पूरा रहेगा एक और टिप दे देती हूँ अगर नहीं ले पा रहे हो ना इस चैप्टर को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना अगर ये चैप्टर तो इतना ही कर लेना एन में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है हाँ डेफिनेटली आपके स्कूल वाले हो सकता है ना भी कर है ये कर लेना ये भी बहुत है हाँ अगर आपको लिटरेचर समझ में आता है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये चैप्टर आपको एक एक तरीके से मैं क्लियर करूँ बट अगर नहीं ना तो इतना बहुत है मैंने समरी इसी तरीके से डिजाइन है पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा डोंट वरी गेटिंग बैक टू द पॉइंट तो वो होर पहुंचे होर पहुंचने के बाद में फाइनली डैनियाल उतर गए थे कार से अब वहां पे कार में काफी कुछ पंक्चर काफी पंचर्स हो गए थे तो डेफिनेटली अब कोशिश किया सिटैन ने बोला पहले मैं पंचर बनवा लेता हूं तो वो होर के इकलौते इकलौता कैफे था होर में वहां पे रुके और वहां रुक के उन्होंने चाय पी फिर उन्हें पता चला कि होर तो एक मिजरेबल प्लेस है लिटरली एंड देन उसके बाद में सारी चीजें हो गई और उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया क्वेश्चन प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना

नोज एकदम से कंजस्टेड हो गया था एकदम से एल्टीट्यूड पे आने की वजह से कोल्ड वेदर में आने की वजह से उनकी एक नाक बंद हो गई थी नॉस्ट्रिल बंद हो गई थी एंड उनका चेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था उन्हें लग रहा था कि आज अगर तो मैं सोया <laughs> तो मैं कभी नहीं उठूँगा ये उन्होंने बोल दिया बोला आज तो अगर मैं सोया तो मैं कभी नहीं उठूंगा इसीलिए वो सोए नहीं नेक्स्ट मॉर्निंग सिटान को बेचारे को उसको मेडिकल कॉलेज लेके जाना पड़ा जब वो मेडिकल कॉलेज में गए लाइक ये क्या है भाई ये क्या है या कहाँ से इलाज होता है यहाँ पे ये डॉक्टर ने ना कोट पहन रखा है ना इसके पास कोई इक्विपमेंट लाइक व्हाट्स हैपनिंग फिर उसके बाद में उनको कोई बात नहीं वहाँ पे फाइव डेज का कोर्स दिया गया ब्रू ब्राउन ऑनवोलॉप में और ट्रस्ट में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट हम जब यहाँ पे एन में पढ़ेंगे ऑथर बोलते हैं कि वो ब्राउन ऑनवोलॉक जो थे उनके अंदर जो दवाई थी वो दवाई थी शीप डंग जैसी यू लिटली शीप डंग जैसी एंड ही वॉज लाइक आई हैड टू टेक इट क्योंकि वो दवाई लेने के बाद में एकदम चैन की नींद सोया था आई स्लप लाइक अ बेबी एंड दैट्स वाई टूक इट अदरवाइज इट वॉज शीप शीप डंग सो दैट ही मैंशन दिस बाई द वे आई एम नॉट एग्जैचुरेटिंग ही मैंशन दिस सिटैन लेफ्टैम देर आफ्टर अशोरिंग हिज हेल्थ कंडीशन ना इसके बाद में आ, जैसे ही फाइनली वो सो जाते हैं तो सिटैन सोचते हैं कि चलो अब ठीक है सारी चीज़ें तो सिटैन नेक्स्ट डे चले जाते हैं अब सिटैन जा चुके हैं सारी चीज़ें हो गई सिटैन चले गए डैनिया चले गए बचा कौन निक मिडल्टन अब निक मिडल्टन अकेला क्या करेंगे देखते हैं द प्रोटोनिस्ट वो आज स्टेइंग एट डाचिन अब वो डाचिन में रुके हुए थे दैट प्लेस हैड अ जनरल स्टोर वे आर चाइनीज सिगरेट शॉप एंड अदर थिंग आर अवेलेबल बाई द वे सिगरेट इज इंजोरियस टू हेल्थ एंड येस तो वहाँ पे एक जनरल स्टोर था जहाँ पे चाइनीज सिगरेट शॉप्स एंड ये सारे सिगरेट सिगरेट के सोप के इन सब के शॉप्स बने हुए थे लाइक जनरल स्टोर थे वहाँ पे आफ्टरनून में डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे एंड वो लोग पूल खेल रहे थे वहाँ पे विमेन आई थी जो कि अपने नैरो स्ट्रीम के अंदर बाल धोने के लिए आई थी एंड नरेटर वॉज लाइक वॉट व्हाट्स आपने इतने ठंडे पानी में ये ये कैसे धो पा रही है अपने बाल सो so, वो ऐसे हो गए थे तो बोला कि यार कैसे हो रहा है ये But Finally, Dachin had one problem. It had no pilgrims. According to the local people, in the peak season of pilgrimage, the place would be filled with travelers. He met a person in Dachin's only cafe. His name was Norbu. Norbu. Who was a Tibetan working in Beijing in the Institute of Ethnic Literature of Chinese Academy of Social Science. Wow, too much to handle. <laughs> so basically, there was a problem that uh, the author felt that time time. And there were no people. एंड वो किस तरीके से ये पूरा अपना रिचुअल पूरा करेंगे वो बेचारे डार्चिन के ओनली कैफे में बैठे थे वहाँ पे वो एक इंसान से मिले जिसका नाम था यूनिवर्सिटी में काम करते थे कोरा जस्ट लाइक दोटोगोनिस्ट अब अगेन भी वहाँ पे कोरा करने के लिए आए थे <laughs> वो चल रहे थे धीरे धीरे उनकी उन्होंने बोला यार मेरे से चला नहीं जाता है बिकॉज आई एम फैट सो नो बॉडी शेमिंग नो 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 ही वॉज वॉकिंग एंड हींट वॉक बिकॉज आई एम फैट ही वॉज क्यू टू गो लू मोलू द प्रोटोकॉल इज डिसाइडेड टू गो टू पिलग्री विद हीम और उन्होंने सोचा कि मैं इसके साथ पिलग्री में क्योंकि ये इंसान बड़ा ऑनस्ट है इसने अपने अपने आप को इस तरीके से एक्सेप्ट कर रखा है बड़ा ऑनेस्ट इंसान है इसके साथ में जाऊँगा और इसको बहुत सारी चीज़ें पता भी है अब उन्होंने याक्स को हायर किया ताकि उनके लगेज को उठा लिया जाए नोरबो फाइनली सेड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम वाइल ही कोलैप्स अक्रॉस द टेबल एंड लाव टवी वो टू वे सो उसके बाद में उन्होंने याक्स को हायर किया एंड देन ही लाइक यार मेरे से नहीं, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा मेरा मेरा टमी बहुत बड़ा है मैं नहीं चढ़ पाऊँगा ऊपर मैं कोलैप्स कर जाऊँगा और वो जोर जोर से हंसे और यहीं पे हमारा चैप्टर हो गया कम्प्लीट तो अगर ये चैप्टर आपको यहाँ पे समझ में आ गया है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अगर इस चैप्टर को आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में एनसीईआरटी में जैसे मैंने ये आपके लिए आसान बना दिया मैं वो भी आसान बना दूंगी थोड़ी देर और रुको एनसीईआरटी भी खत्म हो जाएगी ये रही हमारी सिल्क रोड नेक मिडिल टन की और यस ये देखो ये दोनों गए पर इसमें से मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि नोटबुक कौन सा है जरूर पीछे वाला नोरबू होगा उसके छोटू सा पेट आ रहा है तो डेफिनेटली वही होगा नोरबू चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ी सी एक अच्छी सी रीडिंग कर लेते हैं एनसीआर की और देख लेते हैं कि इसमें हमें कुछ एडिशनली भी मिलता है क्या एक एक स्लाइड रीड करती जाऊंगी स्लाइड को एक्सप्लेन करती जाऊंगी और इसी तरीके से एनसीआर खत्म सो अ फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन द परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेट अवर गुड एक्सटेंडेड बैंक ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव ग्लोड Pink as the sun emerged to splash that distant mountain tops, and with a rose tinted blush, like the perfectly blue sky. और जैसे ही सन आया ऐसा लग रहा था जैसे टिंट हो गया एकदम ब्लश के जैसे एकदम बहुत ही प्यारा सा बड़ा ही अमेजिंग सा एकदम स्काई हो गया था जब उन्होंने गुड बाय बोला था गुड बाय नाउ दैट वी वर लीविंग राहू वो राहू छोड़ के जा रहे थे लामोस दैट शी वॉन्टेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट वो उन्हें फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती थी वन इवनिंग आई टोल्ड हर टू दैन दैर आई वेडिंग टू वर्ड माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा ना उन्होंने बताया था कि वो कोरा जा कोरा करने के लिए माउंट कैलाश जाएंगे एंड डेफिनेटली वहां पे इसीलिए लामो को लगा कि उन्हें थोड़े वार्मर क्लोथ्स चाहिए होंगे एंड दैट इज द रीजन उन्होंने बोला कि मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ Um, after ducking back into her tent she emerged carrying one of the long uh, uh sleeved sheepskin coats that all the men wore whoa it bought the beautiful like the varasa sheepskin coat like i just said bilkul turning like i need one right now because i am literally cold right here i don't know i feel cold um, like i feel more cold <laughs> i don't know <laughs>

आपका ड्राइवर बोलता है कोई दिक्कत नहीं है मैं एकदम अच्छी ड्राइविंग करूंगा बस स्नो नहीं होनी चाहिए तो आप उससे ये पूछोगे भाई इससे तुम्हारा क्या मतलब है हम हिली एरिया में जा रहे हैं तो स्नो तो होगी होगी बट सिटैन ने ये चीज़ क्लियरली बोल दी थी एंड डेफिनेटली निक मिडिल्टन को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी Hmm, from the gently rolling hills of Ravu, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelle that would look up from nibbling the arid pastures thrown before bounding away into the void. Further on, where the plains became more stony than grassy, a great herd of wild ass came into view. Satan so, told us we were approaching them long before they appeared. Young, he said, pointing towards a far-off ball of dust. Now it toh us somne dust a gaya tha, isse duha sa a gaya tha, dust said, oh ho. Uh, when he drew near, I could see the herd galloping and masses, wheeling and turning in tight formation as they were practicing maneuvers on uh, on some predetermined course. Plums of dust billowed into the crisp, clean air. Shortcut, Leah. शॉर्टकट लेके वो गए उन्होंने बता दिया स्नो प्रॉब्लम होगी इसके बाद में वो जैसे जैसे राहू से निकल रहे थे वहाँ के प्लेन्स छोड़ते जा रहे थे वो एक ऐसी जगह पे जा रहे थे जहाँ पे थोड़े स्टोनी प्लेन्स थे बड़े अच्छे अच्छे एनिमल्स से वो मिले उन्होंने गैजल्स देखे एसेस देखे फ्लॉक्स देखे इट वॉज़ ऑल अमेजिंग और एकदम से इतना बड़ा इतने सारे इतने सारे जानवर उनके सामने आ गए एंड देवर लाइक कि वो एकदम ऐसे होते ना जानवर चल रहे होते हैं वो एकदम से तो सारे वो धुआं बनाते चलते हैं डस्ट का ना तो वो पूरा डस्ट और डस्ट डस्ट थोड़ा था एंड फाइनली जब वो पास में गए तो दे कुड सी डी फ्लॉक रियली क्लियरली हम्म आज हिल स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी विल्डनेस वी पास सॉलिटरी दारुग बास टेंडिंग देयर फ्लॉक्स नाउ दारुग बास इज अ कल्चरल टर्म सो दारुग बास आर पीपल हु अ मूव वि� ऐसे होते ना जो ऊपर ऐसे बांधा बांधा हुआ होता है उन्होंने और फ्लॉक के साथ में घूम रहे होते छड़ी लेके इधर से भी इतनी सी भी भेड़ बकरी इधर उधर हो जाती है इधर लाइक वो मार्टिंग इधर आओ ऐसे वो वो उनको वो मिले समटाइम्स समटाइम्स समट्स वेल दीज वेल रैप फिगर्स वुड पॉज एंड स्टेयर एट आवर कार ओकेजनली वेविंग एज वी पास कभी मैन मिलते कभी वीमेन मिलती वो लोग उनकी कार को देखते और वेव करते हाई बाई ऐसे क्योंकि उनके लिए कोई नया आया था वहाँ पे तो दे वेरी हैप्पी

these beasts would cock their great wing heads when they, came up, they became aware of our approach and fix us in their sights as we continued to draw closer they would explode into action speeding directly towards us like a bullet from a gun nearly as fast अब मैस्टिव ने देख लिया था मैस्टिव आर एक्चुअली हंटिंग डॉग्स यू नो एंड उन्होंने देख लिया था कि दे वर लुकिंग इन देयर टेंट्स एंड वुड लाइक यू नो सो उनके पीछे ऐसे आए जैसे कि एक गन में से बुलेट निकली हो एकदम भागते हुए आ रही थी बाग करते करते भागे 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 जब तक वो उनकी नजरों से सामने से हट नहीं गए ना तब तक मैस्टिव भाग रहे थे मतलब अगर तो यहाँ पे ऑथर टू व्हीलर पे होते और अगर तो वो वॉक कर रहे होते

They were completely fearless of our vehicles, shooting straight into our path, causing Satan to break and sear. The dog would make chase for a hundred meters or so before easing off. Having seen us off the property, it wasn't difficult to understand why Ferocious Tibetan mastiffs became popular in China's imperial court, as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. सो so बेसिकली उन्होंने बोला कि इतना तेज भाग रहे थे कि हम लोगों को और उसके अकॉर्डिंग ड्राइव करना पड़ा हंड्रेड मीटर्स तक उन्होंने हमें चेज किया जब तक उनकी नज़रों से हम चले नहीं गए तब तक वो उसको चेज कर हमें चेज करते रहे एंड लेटर ऑन लेटर ऑन द ऑथर वॉज लाइक अब मेरे को समझ में आया कि चाइनीज इनको एज अ हंटिंग डॉग क्यों रखते हैं गॉड अगर किसी ने इन्हें ऐसे देखा बॉस ये छोड़ेंगे नहीं सेम इज द केस विद विद पिटबुल यू नो <laughs> I can tell you, I have good experience with pitbull. So pitbulls are dangerous, literally dangerous. And uh, uh, like uh, we were planning to have a pitbull, and we have like my bhaiya has pitbull. And trust me, that's the that's that's one dog that you never want to see. <laughs> so apart from us family members, if he sees anybody, he's like you're gone, you're gone, man, you're gone. So everybody who visits us, we have to literally keep him inside. All tangled up so that he can he can just bark there and not actually eat the person up. <laughs> so pitbull is the same thing. By now we could see snow cave mountains gathering on the horizon. Now up sari sorted hai. Ab mountains, rahe hai. snow cave mountains, but beautiful snowy mountains. We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice. अब वो एक ऐसी वैली में जाते हैं जहाँ पे रिवर एकदम लंबी चौड़ी सी होती है और पूरी तरीके से आइस से क्लॉक्ड होती है द ट्रेल हड इट्स बैंक ट्विस्टिंग विद द विदिटर्स एज वी ग्रेजुअली गेंड हाइट एंड द वैली साइड्स क्लोज इन द टर्न्स बिकेम शार्पर द राइट बम्पियर सैन नाउ इन द थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम नाउ एवरी टाइम यूड यू वु रीड दिस यू विल रिमेंबर माई जर्नी So the track moved away from Icy River, laboring through steeper slopes and uh, that, support, that spotted big rocks dubbed and patches of bright orange lichen. Beneath the rocks, hunks of snow clung on in the near permanent shade. I felt the pressure building up in my ears, held my nose knotted and cleared them. We struggled around we struggled round another tight bend and sit and stopped.

स्नो है भाई स्नो है हनुमान चल पढ़ना चालू करते हैं so, टैंक से नहीं हो पाएगा सो so, बेसिकली यहाँ पे जैसे ही निकलते हैं बहुत सारी अच्छी चीजें वहाँ पे देखने को मिलती है माउंटेन्स रिवर्स एंड एवरी थिंग वॉज फाइन शार्प टर्नस होने लग जाते हैं थर्ड गियर में गाड़ी चल रही होती है डेफिनेटली बम्पी Uh, रोज जाती है बहुत ज्यादा स्नो उन्हें देखने को मिलती है वो प्रेशर उन्हें नाक में फील होने लगता है As he is going, उन्हें नाक में वो प्रेशर फील हो रहा होता है तो अब ये और प्रॉब्लम है पता नहीं जिंदा जाऊंगा या नहीं अवेद वाइट स्टेप ले अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस्ट स्ट्रेचिंग फॉर मे बी फिफ्टीन मीटर्स बिफोर इट प्रिटर प्रीटर out and dirt trail reappeared the snow continued on either side of us smoothing the abrupt bank on the upslope side the bank too was too steep for our vehicle to scale so there was no way around the snow patch i joined daniel as the tank stepped out stepped on the encrusted snow and began to slither and slide forward stamping his foot from time to time Certain how sturdy it was, and I looked at the wristwatch. We were on 5,210 meters above the sea level. The snow didn't look too deep to me, but the danger wasn't its death. Danielle so much as its icy top layer. If we slip off, the card could turn over. He suggested as we saw Sitan grab handful of dirt, and fling, uh, fling them across the frozen surface we both paged in and uh, when the snow was spread with soil daniel and i stayed out of the vehicle to lighten in load he backed up and drove towards the dirty snow eased the car onto the icy surface slowly drove its length without apparent difficulty then uh, ten minutes later we stopped at another blockage Not good, sir," said announced as he jumped out again to survey the scene, this time he decided to try and drive around the slum. So basically, जैसे वो सामने राह देखते हैं पहली blockage उनकी आ जाती है और पहली blockage ये होती है कि सब जगह snow है. Now, प्रॉब्लम ये है कि बैंक बहुत ज़्यादा स्टीप है स्नोई है डैनियान और उन्होंने देखा फाइनली उन्हें पता चला कि वो 5,000 एंड 210 मीटर्स अबाउट द सी लेवल है स्नो डीप नहीं थी और स्नो की डेप्थ प्रॉब्लम नहीं थी स्नो का स्लिपरी सरफेस प्रॉब्लम था अगर तो गाड़ी उस पर स्लिप होती तो टर्न ओवर हो सकती थी सो so बेसिकली उन्होंने डिसाइड किया कि ही नीड टू ही नीड्स टू डू समथिंग एंड दैट्स व्हाई ही हैड दिस दिस हैंडफुल ऑफ डर्ट और सॉयल काइंड ऑफ और मर्ट काइंड ऑफ अ थिंग एंड देन ही फील देन लाइक बहुत अच्छी तरीके से उसने उसको स्प्रेड कर दिया एंड देन ही थॉट ऑफ एक्चुअली ड्राइविंग ऑन दी मार्ट ऑफ द डर्ट और द सॉयल सो दैट इट बिकम्स लिटिल लेस स्लिपरी

मतलब उसका ऐसा नहीं था कि वो बेंट होगा तो आराम से आप चढ़ सकते हो चढ़ाई कर सकते हो वो थोड़ा सा स्टीप था जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था ऊपर से मेजर रॉक्स भी वहाँ पे थे कैसे जैसे नेगोशिएटेड दैम इज फोर व्हील ड्राइव व्हीकल वन ऑब्स्टिकल्स टू तो द नेक्स्ट ना फाइनली ने उन्होंने बड़े ही शार्प बेंड्स देखे टर्न्स देखे एंड ही सम हाउ ही सम हाव जस्ट पास ओवर ऑल दीज डिफिकल्टीज उन्होंने अपनी वॉच को चेक किया और पता चला वो फाइव थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड मीटर्स अबव हैं अभी एंड देन ही वाज लाइक उनको ऐसा लगा था कि उनको लिटरली uh, सर दर्द होने लगा था और उन्हें लग रहा था ही इज ही इज़ डिहाइड्रेटेड ही थॉट ऑफ गल्पिंग अ लॉट ऑफ वाटर सो ही टुक सम गल्प्स ऑफ द वाटर बॉटल जो कि उन्हें रिक्वायर्ड थी बिकॉज उनका सर फट रहा था अभी फाइनली वो फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टीन मीटर्स पे पहुँचे एंड उन्होंने देखा कि बहुत सारे रॉक्स वहाँ पे पड़े हैं एंड देर आर वाइट सिल्क स्का रैड प्रेयर फ्लैग्स और लॉर्ड ऑफ गुड वाइफ कमिंग टिबेट एंड कैलाश वाइब, सो इट वाज़ ऑल दैट सो उन्होंने वहाँ पे वो देखा एंड उन्होंने टायर्स को चेक किया उन्होंने पेट्रोल टैंक को देखा जो कि डेफिनेटली अनस्क्रीड था टॉप पे एंड बहुत ही लाउड हीज कर रहा था लोअर एटमॉस्पेरिक प्रेशर की वजह से फ्यूल एक्सपैंड होने लग गया था और इसीलिए उन्होंने बोला कि इट इज़ इट इज़ इट कैन बी डेंजरस टू स्मोकिंगयर सो डोंट स्मोक एनी वेयर नियर द वहीकल

Dirt, bordered tibet before the great continental collision that lifted its skyward this one was a hive of activity men with pick, uh, pickaxes and shovels and trot, uh, trotting back and forth in their lock or uh, lawn sheep coats and salt and crusted boots all wore sunglasses against the glare as the steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt by late afternoon we had reached the small town of hore back on the main east-west highway that followed the old trade route to lhasa lhasa say kashmir uh, daniel who was returning to lhasa found a ride uh, in a truck so Tiltan and i bade him farewell outside the tire repair shop um, we had suffered two punctures in quick succession on the drive down the Salt Lake. Satan was eager to have them fixed since they left uh, him with no spares, besides the second tyre change had been replaced by the one that was as smooth as mine. <laughs> सो so like, uh, अभी यहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही है देखना अभी है ना uh, सब कुछ सही है दो बजे उन्होंने नूडल्स खाए सारी चीज़ें सही चल रही है uh, काफ़ी अच्छा एरिया आ गया है और इट वॉज़ ऑल गुड एकदम सॉल्टी एकदम वो वहाँ पे पूरा एक लेक वगैरह है आ, लोग वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं अपने औजार लेके वो चल रहे हैं शॉवर्स और axes लेके ना सब लोगों ने सन पहन रखे हैं क्योंकि उस पर जैसे ही चमक आती है वो आँखों में जाती है इसके बाद में अभी आफ्टरनून वो एक छोटे टाउन पे पहुंचे जिसका नाम था होर अभी ये होर एक्चुअली होर से एक हाईवे आता है जो लासा टू कश्मीर जाता है तो उसको एक ट्रक मिल गई थी जिस ट्रक में वो बैठ गया ताकि से वो लासा जा सके अब uh, uh, वो टायर शॉप पे डैनियल uh, ने बाय कह दिया था टायर शॉप पे वो इसलिए रुके थे क्योंकि दो पंचर्स हो गए थे सेफनी बचे नहीं थे और एक टायर जो उनके पास बचा था वो ऐसा था जैसे कोई <laughs> साफ इंसान हो यहाँ से ना कोई गंजा इंसान हो ना एकदम स्मूथ एकदम टायर इतना स्मूथ था सो यू नो वी कैन ड्राइव टू से Hor was a grim miserable place hor miserable tha. there was no vegetation whatsoever just dust and rock Bola koi vegetation nahi tha keval dust or rock literally scattered with years of accumulated refuse which was unfortunate given that the town sat on the shore of the lake Mansurover, tibet's most venerated stretch of water होर मानसरोवर लेक के पास में था लोग डेफिनेटली उसके बारे में बात करते थे बट होर में कोई वेजिटेशन नहीं था एंड दैट इज द रीजन वाई होर मिजरेबल प्लेस थी अकॉर्डिंग टू द ऑथर एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ फोर ग्रेट इंडियन रिवर्स अभी अगर अपन बात करें तो मानसरोवर हमारे लिए काफ़ी होली भी है क्योंकि चार ग्रेट रिवर्स का एक मिक्सचर है और वो ग्रेट रिवर्स हम लोग जिन्हें मानते हैं वो है इंडस गंगा सतुलज एंड ब्रह्मपुत्रा एक्चुअली ओनली द सतुलज फ्लोज फ्रॉम द लेक बट दी हेडवाटर्स ऑफ अदर ओनली राइज नियर बाय ऑन द फ्लाइस ऑफ माउंट कैलाश ओला बट अगर एक्चुअली आप देखोगे तो केवल सतुलज है जो बेसिकली मानसरोवर में होती है बाकी सब तो कैलाश इसको ज्वाइन करते हैं दैट वे

वहाँ पे वो चाय पीने के लिए गए थे एकदम बुरी तरीके से वो कंक्रीट से बना हुआ था साथ ही साथ में अगर आप देखो तो उसके अंदर थोड़ा इशू ये भी था कि वहाँ पे इनफैक्ट विंडोज़ भी टूटी हुई थी एंड इट वाज दी ओनली कैफे सो ही कूडेंट चोजन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट सो बेसिकली दैट हैपन Now the good view of the lake through one of them helped to compensate for the draught. definitely it was not good, but ek ek window saw a view aara tha the over Lake, ka, and that's why it also compensated. So he was like, "Chalo, theek View aara hai na. I was served with Chinese youth in by a Chinese youth in military uniform who spread the grease ar around my table with a filthy rag before bringing me a glass and thermos of tea. बोला मेरे को एक चाइनीज़ यूथ मिलिट्री यूनिफॉर्म ने चाय दिया था उसने कपड़ा लिया और कपड़े से उस टेबल को पहुँचा नहीं और गंदा कर दिया और फिर उसने मुझे चाय दिया थर्मस दिया देन हाफ एन आवर लेटर से टैन रिलीव्ड मी एंड माई सॉलिटेड कन्फाइनमेंट एंड वी ड्रोव पास लॉट मोर रॉक्स एंड रॉबिश हुए वेस्ट वर्ड आउट ऑफ द टाउन टूवर्ड्स माउंट कैलाश एंड फाइनली से टैन वहाँ पर आए और वो माउंट कैलाश के टूवर्ड्स चल गए My experience in Hoare came as a stark contrast to accounts I'd read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar. Ek uh, ek Ekai Kawaguchi, uh, a Japanese monk who had arrived there in the 1900s, and was also uh, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears a couple of years later the the hallowed water had a similar effect on sivan hedin a swede who wasn't prone to sentimental outbursts so basically you know nebulair us a contrasting laga. उन लोगों के व्यू से जो कि बताते हैं कि होर एक बहुत ही अच्छी जगह है चाहे वो कावागुची हो चाहे वो हेडिन हो दोनों का ही एक्सपीरियंस होर में इतना खतरनाक था कि वो लेक को देख के रो दिए इतना ब्यूटीफुल उन्हें वो लगा बट उन्होंने बोला यार मेरे को ऐसा कुछ क्यों नहीं लगा सो दैट वॉज देयर तो ही वॉज लाइक यार थोड़ा परेशानी वाली बात थी ये बट ठीक है ही वॉज लिविंग होर एनी वे सो ही वॉज लाइक चलो इट्स फाइन फॉर मी

As I lay down to sleep, I wasn't convinced that the other would provide me sufficient oxygen. My watch told me that I was 4,760 meters. It wasn't much higher than Rahu, and there I'd been gasping oxygen several times every night. I had grown accustomed to these uh, nocturnal uh, disturbances by now, but they still scared me. Tired and hungry, I started breathing through my mouth. After a while, I stitched to single nostril power, which seemed to be admitting enough oxygen. But just as I was drifting off, I woke up abruptly. Something was wrong. अब डार्चिन में पहुंच के एक बहुत ही बुरी चीज़ होती है उनका कोल्ड वापस आ जाता है डेफिनेटली उनकी हर्बल टी से कोल्ड कभी गया नहीं था बट अभी वापस आ जाता है उनकी एक नॉस्ट्रिल जो थी वो ब्लॉक हो जाती है एंड वो जब सोते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इनफ सांस नहीं मिलेगी बिकॉज ही वॉज फोर्टी इट वॉज एम सॉरी ही वॉज फोर थाउजेंड एंड सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटीन मीटर्स एंड दैट्स वाई ही वॉज लाइक ही यार मुझे इनफ ऑक्सीजन uh, uh, नहीं मिलेगी डेफिनेटली ही वॉज हैबिचुअल टू ऑल ऑफ दिस बट उथ uh, uh, this, this बट uh, कुछ नहीं हुआ माउथ से ब्रीथ करके भी एक बहुत ही अजीब चीज हुई और वो उठ गए एकदम से उनका चेस्ट इतना ज्यादा हैवी हो गया उन्हें ऐसा लगा कि यार मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है क्या वो बैठे A movement that cleared my nasal passages almost instantly and relieved the feeling in my chest. Jesse, who better, it was all gone. Curious, I thought. I lay back down and uh, tried again. Same result. I was on point of disappearing into the land of non when something told me not to. It must have been those emergency electrical impulses again. बट दिस was नॉट द सेम as ऑन प्रीवियस occasions दिस टाइम आई wasn't gasping for फॉर ब्रेथ आई simply सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप बोला ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है बट आज तो कुछ अजीब ही हो गया था मैं सो ही नहीं पा रहा था मैं बैठता हूँ मुझे सांस आती है चेस्ट थोड़ा सा लाइट होता है मैं सोता हूँ सांस नहीं आती चेस्ट हैवी हो जाता है जितनी बार सोना सोने का ट्राई करते हैं चेस्ट हैवी हो जाता है तो इज लाइक देर वो समिंग जो कि मुझे सोने ही नहीं दे रही थी सिटिंग आप वंस मोर इमीडिएटली मेक मी फील बेटर जैसे वो वापस से बैठे वो और बेटर फील करने लग गए आई कुड ब्रीथ फ्रीली माई चेस्ट फेल्ड फाइन बट एज सुन एज आई ले डाउन माई साइनस माई चेस्ट वॉज अड फिर से वही सोए तो वापस सो वही बैठे तो वापस सही हो जाते थे आई ट्राई प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल वो वॉल पर ऐसे करके भी सोने की कोशिश कर रहे थे पर कितनी देर सोएगा आदमी ऐसे आप वॉल के सहारे कितनी देर सो सकते थे ही He...

इतनी बुरी तबीयत खराब होने के बाद में ऑब्वियसली उन्हें ले जाया गया स्टैंड उन्हें लेके गए डार्चिंग के डाचिन किसी मेडिकल कॉलेज में द मेडिकल कॉलेज एट डार्चिंग वॉज न्यू एंड लुक लाइक अ मॉनेस्ट्री बोला कि डार्चिंग का मेडिकल कॉलेज एक मॉनेस्ट्री जैसा लग रहा था आउटसाइड से का लार्ज कोर्ट यार्ड था एंड उन्होंने देखा कि कंसल्टिंग रूम था जहाँ पे एक टिबिटिन डॉक्टर था जिसके पास में लिटरली पैराफिलनेलिया नहीं था मतलब उसके पास में कोई इक्विपमेंट्स ही नहीं थे बोला कोई वाइट कोट नहीं लग ही नहीं रहा था वो डॉक्टर है आ, बस एक थिक पुल ओवर और एक वूली हैट फिर उसके बाद में उन्होंने उनको उन्हों एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे एंड डेफिनेटली उन्होंने उनकी उन्हों रिस्क चेक किया इट्स कोल्ड ही फाइनली ही सेट फाइनली थ्रू सटैन डेफिनेटली उन्होंने बोला कोल्ड है सिटैन उनकी लैंग्वेज समझते थे ऑब्वियसली ऑथर के तो सब कुछ ऊपर से जा रहा था अ कोल दैट इफेक्ट्स ऑफ दूड बोला हाइट और कोल्ड के इफेक्ट्स हैं और कुछ भी नहीं है बोला मैं इसके लिए दवाई दे देता हूँ आई आज डेफ यू थॉट इनफ टू बी एबल टू डू कोरा बोला कि यार मेरे को बता दो मैं कोरा तो कर पाऊंगा क्या ओ यस ही सेड यू बी फाइन बोला हाँ आराम से कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद में वो मेडिकल कॉलेज से निकले उनके हाथ में एक ब्राउन कलर का ऑनब्लॉक था और उसके अंदर काफ़ी कुछ दवाइयाँ उन्होंने बांध के दी थी उनका फाइव डे का कोर्स था टिबिटिन मेडिसिन का और उन्होंने एकदम से स्टार्ट कर दिया उन्होंने आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज खोला उन्हें कुछ ब्राउन पाउडर लगा एकदम सिनेमन जैसा उसका टेस्ट था आ, फिर उसके बाद में उन्होंने बेड टाइम और लंच टाइम के कंटेंट्स खोले बोथ कंटेन्ड स्मॉल स्पेरिकल ब्राउन पैलेट्स नाउ दोनों में छोटे छोटे ब्राउन और स्पेरिकल पैलेट्स थे

It was still dusty, partially derelict, and um, uh, punctuated by heaps of rubble and refuse. But the sun shone brilliantly in the clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of Himalayas. Commanded by a huge snow-capped mountain, uh, uh, Gurla Mandata was just a whiff of cloud suspended over its summit. ना उन्होंने देखा इट वॉज ऑल अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल काफ़ी ज्यादा अच्छी चीज़ें वहाँ पे थी विजन ऑफ हिमालया वहाँ पे था इट वॉज ऑल दैट ही रिक्वायर्ड टू यू नो काम हिमसेल्फ डाउन राइट टाउन अ दपल ऑफ रेडिमेंट्री जनरल स्टोर्स वहाँ पे छोटी मोटी जनरल स्टोर्स भी थी जिनके अंदर चाइनीज सिगरेट्स uh, कुछ सोप या बाकी बेसिक प्रोविजन भी थे Uh, वहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स भी बहुत सारे थे और उनके साथ में उनके जस्ट सामने कुछ लोग एक अजीब सी टेबल पे पूल खेल रहे थे और कुछ विमेन अपने बाल धो रही थी तो इट वाज ऑल वेरी अजीब सा उनके लिए बट ठीक है डाचिन फेल रिलैक्स एंड अनहरीड बट फॉर मी इट केम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक डाचिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था काफ़ी रिलैक्सिंग था अनहरिड था ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ की जल्दीबाजी थी वहाँ पे. बट उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छा ड्रॉबैक लेके आया था और वो ड्रॉबैक ये था कि वहाँ पर कोई पिलग्रिम्स नहीं थे ना वो जिस पर्पज़ uh, के लिए आए थे वो पर्पज़ ही वहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा था एंड दैट वॉज द प्रॉब्लम I'd been told at the height of the pilgrimage season, the town was bustling with visitors. Many brought their own accommodation and lodging the settlement round its ed edges as they set up their tents, which spilled down to the plain. I timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. अब लोगों ने जिस हिसाब से उन्हें सारी चीजें बताई थी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अपने अपने tents वो लेके आते हैं उस हिसाब से वो आ गए थे आ timing देख के हुए but ऐसा हुआ नहीं उन्हें पता चला कि वो ज्यादा जल्दी आ गए हैं वहां पे कोई भी नहीं था वन आफ्टरनून आई सैट पॉंडरिंग माय ऑप्शंस ओवर अ ग्लास ऑफ टी इन डार्जिलिंगस ओनली कैफे डार्जिलिंग के इकलौते कैफे में वो चाय पी रहे थे एंड दैट्स व्हेन ही डिसाइडेड कि यार मुझे क्या करना चाहिए ही वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि यार मुझे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए then after a little consideration i concluded there uh, they were severely limited clearly i hadn't made much progress with my self-help program on positive thinking what i to find karne introspect karne life and that's what he was doing he realized that he was not doing much about his positive thinking thing so he was realizing that and in my defense it hadn't been easy with all the sleeping difficulties but however i looked at it i could only wait अब uh, फाइनली सारी चीजें वो जो देख रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि अभी बस वो इंतजार ही कर सकते हैं लोगों का कोरा स्टार्ट करने के लिए अदरवाइज यू के नॉट डू एनी थिंग द प्रग्रेमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रॉडन बट आई डिंट फैंसी डूइंग इट अलोन द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट्स वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाई स्नो आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड बट आई हैज बाय द चंगस ऑफ डर्टी आईज दैट स्टिल क्लॉन्ग ऑन द बैंक्स ऑफ डार्चि ब्रुक नी वन इन आईड कम अक्रॉस एनी वन इन डिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन कोरा अकेले कर नहीं सकते थे आगे पता नहीं था कोरा एक सीजनल था तो पता नहीं था आगे स्नो है नहीं है सिटैन जा चुके थे कोई वहाँ पे उनकी इंग्लिश समझ नहीं रहा था इसकी वजह से वो एक बेसिक क्वेश्चन भी लोगों से पूछ नहीं पा रहे थे कि भाइयों ये बता दो कि बाहर वहाँ रास्ता साफ है क्या मैं जाके अपना काम कर लूँ क्या वो ये भी नहीं कर पा रहे थे एंड दैट वॉज द प्रॉब्लम अनटिल दैट इज़ आई मेट नॉर्बू और वो नॉर्बू से मिले

वो उन्हें पता चल रहा था कि चाइना का प्लास्टिक कहाँ पे यूज़ हो रहा है बट या ही जस्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स बिकॉज उनके पास कुछ और था नहीं करने को द कैफे ऐट अ सिंगल विंडो बिसाइड विच एव टेकन अ पोजिशन सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नो नोटबुक वो एक विंडो के पास बैठे हुए थे ताकि वो अपनी नोटबुक को देख सके क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर वो लाइट वाइट वाले इशूज़ नहीं थे, थे तो जब तक नेचुरल लाइट आती थी तब तक ही वो सारी चीज़ें देख सकते थे I also brought a novel with me to help pass time. उन्होंने सोचा time pass करने के लिए वो novel पढ़ लिया करेंगे। Norbu saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite to uh, me at the uh, rickety table. तो Norbu ने वो book देखी और उन्होंने पूछा यार मैं आपके पास में बैठ जाऊँ? वो table already ऐसी थी कि अब जाएगी अब जाएगी अब जाएगी but उन्होंने बोला you English आई यायर्ड आफ्टर इ टी आई टोल कॉन्जेशन उनको कोई मिल गया कॉन्वर्जेट करने के लिए एंड देन उनको पता चला कि डेफिनेटली वो भी वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ें जानते हैं डेफिनेटली वो उनके साथ कॉन्वर्जेट कर सकते हैं उन्होंने ये बताया कि वो बिजिंग में अपने ये नो जो चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंस है वहाँ पर काम करते हैं और उन्होंने बताया कि ये उनका कुछ फील्ड वर्क था यस एंड नो ही सेड आई हैव कम टू डू द कोरा बोला मैं भी कोरा करने आया हूँ माई हार्ट जम्प एकदम से उन्हें लगा अरे यार भगवान जी कोई तो मिला कोई तो मिला नोरबू हेड विन राइटिंग अकेडमिक पेपर्स अबाउट कैलाश कोरा एंड इच्छ इंपॉर्टेंस इन वेरियस वर्क ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मेनी ईयर्स ही टोल्ड मी बट ही हेट नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ तो वो इस पे काम कर रहे थे और इसीलिए वो वहाँ पे उसे विजिट करने आए थे बिकॉज ई थॉट दैट दिस वॉज द करेक्ट टाइम टू विजिट इट राइट

माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नोटबू हु वॉज ऑल्सो स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस वॉज टेम्पर्ड बाई द रियलाइजेशन दैट ही वॉज ऑलमोस्ट एज इन इक्विप्ड एज आई वॉज फॉर द पिलग्रमेज अब वो उनके साथ में रह रहे थे होटल में एंड देन दे रियलाइज के पिलग्रमेज के लिए उनके पास एकदम करेक्ट इक्विपमेंट्स ही नहीं है हाउ आर दे इवन गोइंग टू डू द पिलग्रमेज क्योंकि उनके पास वो इल इक्विप्ड थे दोनों के दोनों

He suggested we hire some yaks to carry our luggage, which I interpreted as a good sign. उन्होंने बोला हम उन्हों कुछ yaks कर लेते हैं ताकि हमारे luggage को कोई ले जा सके. And he had no intention of uh, uh, prostrating himself all around the mountain. बोला not possible. He cried. बोला मैं table वो collapse होते हुए हँसते हँसते बोलते हैं. बोला my tummy is too big. It's not possible for me to go and climb up there. And इसी तरीके से हँसते हँसते chapter complete हो जाता है. सो दैट वॉज द सिल्क रोड चैप्टर गाइज आई होप ये चैप्टर मैंने आपके लिए ईजी कर दिया और एटलीस्ट आई ट्राई माई बेस्ट अगर आपको डाउट्स हो आप मुझे स्पेशल क्लास पर आके पूछ सकते हो मेरे प्रोफाइल uh, का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाई द वे अगर आपको uh, स्लाइड ब्लर लग रहा हो तो लेट मी जस्ट टेल यू द स्लाइड इज़ नॉट ब्लर इंटरनेट इशू हो सकता है नहीं तो आप एक बार रेजोल्यूशन चेक करके सही कर लेना प्लीज़ इट्स नॉट ब्लर बिकॉज आई कैन सी इट क्लियरली सो बेसिकली इट कैन बी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट बिकॉज आई गेट दैट कम्पलेन रली ऑफ सो या सो दैट्स एट गाइज ये था मेरा चैप्टर जैसे कि मैंने आपको बताया आई हैव बिन वर्किंग ऑन लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन दिस डेज एंड आई प्रिपेयर अ गुड क्वेश्चन बैंक फॉर यू सो इफ यू वॉन्ट यू कैन जॉइन मी देयर ऑन प्लस यूजिंग द कोड एच डी सी लाइव और एच डी सी एटीन टू गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट टू एक्चुअली इंजॉय दोज क्वेश्चन विद मी यू कैन लिटरली स्टैंड बिटवीन नाइन्टी टू हंड्रेड मार्क्स इफ़ यू एक्चुअली जॉइन मी ऑन प्लस सो थैंक यू सो मच फॉर बींग देयर please uh you know give a like to this video and subscribe to the channel because that would mean the world to us and i'll see you guys later bye bye take care bye